कंबर के चांडियों और शहदाद कोट के सरदार एक बार फिर आमने सामने खुलकर किया ऐलान जंग सिद्ध भी कोर्ट मतलब सब दोनों का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है और दोनों ही अपनी बिरादरी के सरदारान हैं। ये सिंध असम्बली के रुकन और मिनिस्टर भी रह चुके हैं आम तौर पर इलेक्शन की तैयारी के दौरान इस तरह के हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि अवाम का ध्यान अवामी मसाइल से हटाया जा सके और हमेशा से इन सब तनाज़ात और लड़ाइयों में सिर्फ आवाम का ही नुकसान हुआ है हाल ही में सबक रुकने सिंध असम्बली मीर नादिर खान मक्सी ने सिविल अस्पताल का दौरा करने के बाद मीडिया से गुफ्तू की जिसके बाद एक नया हंगामा बर्पा हो गया उम्मेरू बाब चांदिओ के बाप दादा और चाचा का केस आपको याद होगा जो अदालत परसों क्यूँ था ये केस पाँच साल ऐसी जेर समात है और अभी तक इंसाफ का तलबगार है इस केस में उमेर रुबाब ने अपने ही खानदान के सरदारान सरदार चांडियो और बुरहान चांडियो को मुजरिम करार देकर कोर्ट से इंसाफ की अपील की थी सरदार चांडियो और बुरहान चांडियो दोनों ही पीपल्स पार्टी से वाबस्ता हैं और कई बार सिंध असम्बली के रुकन मुंतखब हो चुके हैं उमेर उबाब के खानदान का केस अभी तक कोर्ट में चल रहा है मगर मीर नादिर खान मक्सी की मीडिया से गुफ्तू ने इस तनाजे को जन्म दिया कि उम्मेर उबाब ने मक्सी सरदार से मदद तलब की है कुछ अर्सा कबल बेटो जतोई में चांडियो खानदान के गुलाम सरवर का वाक पेश आया था जिनके खानदान ने एफ आई आर में मीर नादिर खान मक्सी का नाम डालने का मुतालबा किया था लेकिन पुलिस ने नादिर मक्सी का नाम डालने से साफ इनकार कर दिया था जबकि चांदियों सरदारान की तरफ से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पर मुसलसल दबाव डाला गया था कि नादिर मक्सी का नाम एफआईआर में डाला जाए अब मीर नादिर खान मक्सी ने मीडिया से गुफ्तगू की तो उनको देखकर मालूम होता था कि जैसे उनको सब राज मालूम है लेकिन वो फिलहाल खामोशी को नहीं तोड़ना चाहते उनका कहना था कि गुलाम सरवर वाकई में चांडियो सरदारान के कहने पर मुझ पर इल्ज़ाम लगाया गया उनका कहना था कि उन्होंने कभी उम्मेरूबाब को देखा ही नहीं न ही वो उसे जानते हैं और उनका मौकफ था कि उम्मेरूबाब ने कभी भी कोई मदद तलब नहीं की उन्होंने इंकशाफ किया कि खानदान के आपस के वक़े में चांदियों सरदारान के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने जा रहा था लेकिन उन्होंने पुलिस को इससे रोका इनका ये इंकशाफ जाहिर करता है कि किस तरह ये बासर शख्सियत पुलिस पर दबाव डालकर आम आवाम के साथ जुल्म करती हैं। अगर इन सरदारान की आपस में जंग छिड़ जाए तो ये लोग अपने महलों को छोड़कर फरार हो जाएंगे लेकिन नुकसान सिर्फ आम अवाम का होगा जो इनके लिए अपनी जान को झोंके में डालते हैं To watch more videos, please subscribe to our channel and click the bell icon.